पहला पार्ट क्या है आपका, तेज दौड़ना है आपको। हम लोगों ने टेक ऑफ सीख लिया, टेक ऑफ मतलब कि हम दौड़ दौड़ के आते हैं और टेक ऑफ लगाते हैं, हाइट पकड़ते हैं और फिर लैंडिंग करते हैं। तो इसके जो पार्ट है, पहला है रनवे, टेक ऑफ, फ्लाइट पोजीशन जो है हवा में रहते हैं हम लोग, उस टाइम हमारे मोमेंट करते हैं, आपका हाथ ऐसे करके कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, या बहुत सिंपल भाषा में हम लोग पुलिस की भर्ती वाले अपने टेक ऑफ लेके घुटने हाइट खींच के ऊपर और फिर लैंड कर सकते हैं, दोनों पर लैंड कर सकते हैं। तो रनवे, टेक ऑफ, फ्लाइट और लैंडिंग, ये चार फेज हैं। चारों फेजों में से मैं आपको जो बेसिक ट्रेनिंग है इसकी दे चुका हूँ, आपको कई बार टेक ऑफ लगा चुका हूँ, हाइट पर जम्प करा चुका हूँ, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज करा चुका हूँ, सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारा स्पीड वर्क बाकी है। स्पीड वर्क के अंदर जो रिपिटिशन होती है, 100 मीटर की रिपिटिशन होती है, 200 की होती है, हमने 800 के लिए भी 200 अभी लगाई नहीं है ठीक से। लेकिन आप लोग आप ध्यान रखिए, आप बहुत दिन हो गए हमें करते करते, अब आपको जो है अपने वर्कआउट के अंदर 30-40 मीटर 50 मीटर की रिपिटिशन आपको ऐड करना है। 30-40 मीटर 80 मीटर की रिपिटिशन ऐड करोगे, जितना फास्ट रन में लोगे इतना अच्छा आपका टेक ऑफ लगेगा, इतना आपको स्पीड मिलेगी और आपकी लैंडिंग आगे की तरफ जाएगी। तो आप सब लोग ध्यान रखिए, पहला पार्ट जो सबसे पहला पार्ट क्या है इसका, स्पीड। तो टेक ऑफ ये पहले मैक्सिमम स्पीड में आपको टेक ऑफ लगाना है। अब कोई बच्चा जो दौड़ के आएगा तो ऐसा नहीं कि वहाँ से उसने एक्सेलरेट किया, बॉडी को तेज दौड़ते दौड़ते आया, बीच में मैक्सिमम स्पीड पे आ गया और लास्ट में टेक ऑफ के पहले वो फिर थोड़ी स्टेप को बड़ी कर ली या फिर जो है जिगजैग कर ली, छोटी कर ली, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लॉन्ग जंप का है कि आपको जैसे रनवे स्टार्ट करते हैं तो हम एकदम स्टार्ट तो नहीं कर सकते, स्टार्ट करते तो एक्सेलरेट धीरे धीरे करके स्पीड कदमों की बढ़ती रहती और बीच के फेज में अपनी स्पीड बहुत अच्छी हो जाती, और टेक ऑफ के जस्ट पहले आपकी मैक्सिमम स्पीड में आपको टेक ऑफ लगाना है। आपको जस्ट लास्ट के पहले आपको जो है अपने कदमों को बड़ा नहीं करना है, यही इसका पार्ट है। आप 8 से 10 ही जम करें, इससे ज़्यादा हमारी बॉडी में कैपेसिटी नहीं होती कि इससे ज़्यादा हम जम कर पाए। ज़्यादा जम करेंगे तो फिर क्या होगा, हमें मसल्स में डैमेज होना चालू होगा, मसल्स में क्रैम्प होगा, नी में पेन होगा। 8-10 का ही इंड्योरेंस होता है, 8-10 जम का। तो पहले जम से अच्छा वार्म अप करके पहले जम के टारगेट जो हम स्पीड में दौड़ेंगे, टेक ऑफ लेंगे, दोनों पैर पे सेफ लैंडिंग करेंगे। बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्पीड फास्ट करो, तो एक में फास्ट करते हो, दूसरी वाली में लूज कर देते हो, फिर आपको चिल्लाया जाता है, बोला जाता है, फिर आप लोग फास्ट करते हो। ध्यान रहे हम एक एक पार्ट पे काम करेंगे। आज पहला हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है कि आपको लॉन्ग जंप का रनवे फास्ट करना, जितना तेज दौड़ोगे इतना अच्छा टेक ऑफ लगेगा, टेक ऑफ अच्छा रनवे तेज होगा तो आपकी हाइट में मतलब देर तक आपकी बॉडी एयर में रहेगी, अच्छी लैंडिंग होगी, क्लियर है। तो अब सब लोग मुझे तेज दौड़ के टेक ऑफ मार के दिखाएंगे। फाउल की चिंता नहीं करना, फाउल हो तो हो, उसके आसपास से कैसे कूद जाना, जल्दी आओ फटाफट फास्ट, चल फास्ट, ठीक है। टेक ऑफ स्पीड अच्छी थी, टेक ऑफ पावरफुल नहीं लगा, जम 13+ है इधर, ठीक है। आप बहुत पीछे से कूद गए टेक ऑफ बोर्ड के, लेकिन फिर भी रन ऑफ ठीक है, जो अपन ने सीखा है कि रन ऑफ फास्ट होना चाहिए, फास्ट है, तेज तेज रन ऑफ फास्ट, ठीक है। फाउल है लेकिन रन ऑफ ठीक है, फास्ट, फाउल है, कोई बात नहीं, तेज वैशाली तेज। टेक ऑफ पे बॉडी अपना टेक ऑफ में मारते हैं ना, टेक ऑफ जब लगाएंगे आप, टेक ऑफ अपन ने लगाया यहाँ इस पोजीशन में, जब टेक ऑफ लगाया तो बॉडी अप भी तो करना है इस पे। अब तुम क्या कर रहे हो, टेक ऑफ लगाया और ऐसे कैसे सीधे चले गए, उछाल भी लेना पड़ेगा ना, ये करना पड़ेगा। अब तेरा क्या हो रहा है, टेक ऑफ के बाद ये यही है और सीधे तुम चले गए, ये जो पैर है आपका पीछे वाला पैर, टेक ऑफ के बाद ये जितनी हाइट पे जाएगा इतनी जम बढ़ेगी, वो हाइट पे ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, थोड़ा और हाइट खींचो ऊपर, जब अच्छा है, पर इतना ध्यान रखो कि हम जब चार पांच लास्ट कदम पे जब अपने कंधे टाइट कर लेते हैं, अपर बॉडी टाइट नहीं करना, रिलैक्स को रनिंग मोमेंट में रहो। टेक ऑफ के बाद में पीछे वाला फिर जितनी हाइट पे जाएगा इतने अच्छे जंप ऊपर की तरफ जाएगी, अभी जंप दब रही है, समझे, ठीक है। रन अप के अंदर स्पीड तो बने, लेकिन हाथ तो अपर बॉडी को अपन ज़्यादा चढ़ा रहे हैं, अपर बॉडी से ताकत नहीं लगाना, अपर बॉडी तो बस दौड़ने के लिए, हाथ आर्म एक्शन के लिए, ताकत पैरों की लगती है, हाथ अपर बॉडी टाइट मत करो। देखो इसने भी यही किया, अपर बॉडी टाइट कर ली है, नॉर्मली
हर जो बिगनर होता है, नया बच्चा सीखने वाला होता है, पुलिस की भर्ती वाला होता है, वो ये करता है कि अपने अपर बॉडी को टाइट कर लेता है। लंबे स्टेप नहीं करना है वो प्रैक्टिस, अपन जो 30-40 लगाएंगे तेज, रन ऑफ फास्ट लगाएंगे ना, जितने रोज 4-5 रन ऑफ फास्ट लगाओ 30-40 मीटर के, ठीक है। रन अप बहुत अच्छा था, बहुत स्पीड थी, पर थोड़ी सी हाइट और बढ़ानी जरूरत है। ये हाथों की ताकत को लगा रहे दौड़ने में, पैरों की ताकत लगाओ, पैर से दौड़ो, अपर बॉडी नहीं चढ़ाना। ये लॉन्ग जंप का बड़ा फॉल्ट है कि अपन अपर बॉडी चढ़ा लेते हैं ऊपर। हर जंपर की ये दिक्कत है, जितने पुलिस की भर्ती वाले हाथों को ज्यादा ताकत देते हैं। देखना इसके हाथों की, देखना अपर बॉडी चढ़ा लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी और हाइट की जरूरत है, टेक ऑफ थोड़ा वीक है। ठीक है, चला जा, ठीक है। थोड़ी बस हाइट डाउन है, जंप फ्लैट आ रही है, टेक ऑफ हाइट में लगाओ जरा। ये देखो इनका आप चेहरा देखो, फेस देखो, ऐसे टाइट कर लेते हैं। अपर बॉडी टाइट नहीं करना है, ठीक है। अपर बॉडी टाइट होने का मेन कारण होता है, अपर बॉडी सब लोगों की मेन इसलिए टाइट हो जाती है, दिखा देना। अपर बॉडी टाइट होने का वजह ये रहती है कि आपकी रिपिटिशन कम होती है 30-40-60-80-100 मीटर की। जब बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस नहीं होती, आप तेज़ी से हाथ चलाने की कोशिश करते हैं तो बॉडी टाइट हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका आर्म एक्शन सुधारें, कंधे को चढ़ाए ना, कंधे को टाइट ना करें, रिलैक्स होना चाहिए और आर्म एक्शन प्रॉपर होना चाहिए। चलो आओ, जल्दी आओ, फास्ट 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 फास्ट, नहीं बहुत इजी, फाउल भी हो गया बड़ा। ऐसा कैसे दौड़ लगा रहे हैं अपन, रन अप तो फास्ट रहना चाहिए, एकदम फास्ट। यस ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। लैंडिंग दोनों एक साथ करना है। कितने दिन से नहीं आ रहा है अपने, बताओ। अपन है ना जंप के बजाय 8-10 फीट ही करें, पर इजी टेक ऑफ लेके लैंडिंग सेफ करें, धीरे धीरे करके आदत बन जाएगी दोनों फिर लैंड करने। हाँ ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, बहुत अच्छा है। पहले से छोटे रन अप के 3-4 कदम से ट्राई करो, ठीक है। दिल्ली पुलिस तरह क्लियर है, आ रहा 11 फीट आ रहा है जंप, थके मत अब। ऐसा रन अप फास्ट होना चाहिए, ये वेरी गुड। हार्ट थोड़ा चलाने की कोशिश कर, आगे से फास्ट फास्ट फास्ट, रन अप फास्ट, रन अप फास्ट। फाउल हुआ है जरा, टेक ऑफ बोर्ड पे ध्यान रख। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने आपको बताया कि लॉन्ग जंप में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, यदि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है तो वो है रन अप। जितना अच्छा रन अप होगा इतनी अच्छी जंप होगी, क्योंकि रन अप के अंदर हम ज़्यादा समय एयर में रहने की हमें मौका मिलेगा। जितनी तेजी से हम फास्ट आएंगे, इतनी देर तक एयर में रहेंगे और इतनी दूर पे जाकर लैंड होगी। यदि हमारा रन अप स्लो है तो हम जंप जो है बहुत अच्छी नहीं कर पाएंगे। 13-14 फीट जंप करना बहुत आसान है, विदाउट रन अप भी कर सकते हैं, लेकिन यदि 15-16-18 का आपका ड्रीम है जंप करने का, तो आपको रन अप को तेज करना पड़ेगा। और रन अप तेज करना एक ही तरीका, स्पीड के रेपिटेशन मतलब 30-40-60-80 और 100 मीटर तक के रेपिटेशन आपको लगाने पड़ेंगे। आफ्टर वर्कआउट, पूरा वर्कआउट फिनिश होने के बाद सेल्फ आप अपने 30-40 के 2-4-5 रिपीटेशन पर डे लगाइए, जिससे कि आपकी स्पीड बने और रन अप में आपको उसका फायदा मिले। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।